हाय ऑल, वेलकम टू प्लैटिनम पवी। और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं आम पापड़। आम पापड़ ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद होता है, बच्चे से लेके बड़े सभी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। इसे जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तब मुझे पता चला कि इसे बनाना कितना आसान है। और सबसे बेस्ट, इसे हम 6 महीनों तक रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बच्चों को आप बाहर के कैंडीज देना बंद करिए और उन्हें ये आम पापड़ बनाकर खिलाइए। ये मेरा दावा है कि वो आपसे ये बार बार मांगेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 आम, चीनी और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम 2 आम को कट कर लेंगे और इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड करके हम मैंगो प्यूरी तैयार करेंगे। अब हम इसे कढ़ाई में ले लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें पकाना है। अब इसे लो फ्लेम में रखकर एक स्टील की प्लेट को घी या ऑयल से ग्रीस करके तैयार रखिए। अभी थिक हो चुका है, हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो मीठा होने की वजह से मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद ये थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसे वो ग्रीस किए हुए स्टील के प्लेट में ले लेंगे। अब हम इसे फटाफट स्प्रेड कर लेंगे क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाए तो ये जम जाएगा। तो देखिए, स्पून के मदद से हमें इसे ऐसे स्प्रेड करना है। इसे आप टैप भी कर सकते हैं। मैंने एक बड़े प्लेट में भी ये सेम प्रोसेस किया है और इसके लिए मैंने 3 मैंगो लिए थे, क्योंकि जो छोटे प्लेट में बनाया उसे तो मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूँगी। जब इसे आप स्प्रेड करोगे तो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसे धूप में सुखाने वाले हैं। और अगर ये बहुत पतला हो गया तो सूखने के बाद ये प्लेट को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, प्लेट से निकालने में दिक्कत भी हो सकती है। तो देखो, ये स्प्रेड हो गया है। अब मैं इसे 2 दिन के लिए धूप में सुखाऊंगी और 2 दिन बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप भी है ना। तो अब मैं इसे कट करना स्टार्ट करूँगी। आपको जैसा चाहिए आप वैसा कट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लंबा लंबा कट करोगे तो उससे क्या होगा, निकालने में उससे आसानी होगी। तो कट करने के बाद देखिए, ऐसे नाइफ़ के मदद से आपको इसे बस ऐसे खींचते हुए जाना है, तो एकदम आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये धूप में बहुत अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके हम इसे साइड में रख लेंगे और वैसे ही हम आगे के सारे जो हमने कट किए हैं उसे ध्यान से निकालेंगे और ऐसे ही फोल्ड करते हुए रखते जाएंगे। देखो, ये पूरा आम पापड़ रेडी है। इसमें फिनिशिंग नहीं है अभी बिल्कुल भी, बट देखिए ये लेयर्स आपको दिख रहा है। ये जैसे हमें मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा दिख रहा है ना। अब मैंने इसे साइड से कट करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और देखिए, मेरा ये आम पापड़ रेडी है।